नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। ऊंचे रसूखात के आगे सरकार और सरकारी अधिकारी कितने नतमस्तक हैं, इसका जीता जागता उदाहरण है जेके सीमेंट, जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती हुई नजर ही नहीं आती, चाहे मामला प्रदूषण से जुड़ा हो, चाहे लोगों को रोजगार का सपना दिखाकर उसे तोड़ने का हो, गाँव के विकास का हो या फिर बरसात के पानी के उपयोग का हो। हर मामले पर नियमों की अनदेखी हो रही है, लेकिन किसी भी मामले में कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई। यहाँ तक कि कोई अधिकारी जेके सीमेंट के खिलाफ भी कुछ कहने तक को तैयार नहीं होता। कैसे यदुपति घराने की चकाचौंध और ऊंचे रसूखात के आगे सरकार मौन है, आज इसी पर बात हुई। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा और मांगरोल में यदुपति सिंघानिया के स्वामित्व के जेके सीमेंट के कारनामों की फहरिस्त लगातार लंबी होती जा रही है। इस कारखाने के रसूखों के आगे सरकार भी नतमस्तक नजर आ रही है, विभागीय अधिकारी भी, हालत तो यहां पर ऐसी हो चुकी है मानो सरकार की नहीं बल्कि इस फैक्ट्री की नौकरी कर रहे हो। इस फैक्ट्री के रसूखों के चलते जनप्रतिनिधि भी कुछ बोलने से कतरा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। निम्बाहेड़ा और मांगरोल में इस फैक्ट्री की दो इकाइयां चल रही है, वहीं एक नई इकाई का कार्य प्रगति पर है, लेकिन हालात ये हैं कि इस इकाई के निजी लाभ के लिए नियमों को भी ताक पर रखकर स्वीकृतियां जारी कर दी गई, ताकि विभागीय जांच में इस इकाई पर कोई आंच नहीं आए और अवैध दोहन का खेल बदस्तूर जारी रह सके। इस इकाई द्वारा खानों में भरे पानी का उपयोग अपने लाभ के लिए किया जा रहा है। इस पानी के लिए विभागीय नियम बने हुए हैं। इस पानी को पहले पेयजल के लिए दिया जाए, उसके बाद कृषि उपयोग में दिया जाए और अगर फिर भी पानी बच जाए तो इस पानी का उपयोग औद्योगिक इकाई द्वारा अपने खनन में लगे वाहनों को धोने के लिए किया जा सकता है। कागजों में इस मामले में इस इकाई द्वारा कुछ किसानों के साथ एग्रीमेंट भी किए जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि ये इकाई नियमानुसार संचालित है, लेकिन हकीकत इस सबसे उलट। इस इकाई द्वारा नाम मात्र का पानी किसानों को दिया जाता है। इस भरे पानी का उपयोग इकाई द्वारा अपने निजी लाभ के लिए लगातार किया जा रहा है। पानी जैसे माइनिंग में पानी होता है, तो जब वो नवंबर और दिसंबर में पानी निकालते हैं, वो खेती के लिए पानी अवेलेबल नहीं करवाते, क्योंकि जिस जमीन के लिए वो पानी चाहिए आसपास वाले लोग ही पानी लेते हैं माइनिंग का। तो उसमें क्या है कि अगर वो पानी दे देंगे तो वहाँ फसल हो जाएगी, तो जो जमीन उनको चाहिए वो उनको मिलेगी नहीं, इसलिए वो पानी देते नहीं है, पानी का दुरुपयोग। इस पानी का इस्तेमाल अपने निजी लाभ के लिए पावर प्लांट और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए लगी इकाई में उपयोग किया जा रहा है। इस संबंध में स्थानीय स्तर पर अधिकारियों की हालत ऐसी है कि विभागों के अधिकारी इस मामले में ना तो कोई जांच करते हैं और ना ही किसी प्रकार की जांच स्थानीय स्तर पर की जाती है, और इत्तेफाक से कभी जांच की जहमत भी उठा ली जाए तो भी जमीनी स्तर पर इस तरह की कोई जांच करने की बजाय सीधे फैक्ट्री प्रबंधन से बात की जाती है और इसी आधार पर रिपोर्ट तैयार कर ली जाती है। अब इस मामले में खान मंत्री राजकुमार रिंडवा का जो कहना है वो भी सुनते हैं। एसएमई को कहा है कि पूरी जांच रिपोर्ट कर भेजो, या फिर जो पोल्यूशन में अपने ग्रोवर साहब है उनको भी कह दिया है और अरुण जी को भी कह दिया है, तो शायद एक दो दिन में पूरी ये मेरे पास रिपोर्ट आ जाएगी, मैं आपको बता देता हूँ। अगर वो अगर इस तरह का गलत काम कर रहा है तो उस पर 10 गुना पेनल्टी लगाएंगे, बाकायदा जांच कर। कुल मिलाकर एक बात तो साफ है कि इस पूरे मामले में यदुपति सिंघानिया और इस फैक्ट्री से जुड़े अधिकारियों के रिश्ते सरकार और सरकारी अधिकारियों से इतने नजदीकी है कि फैक्ट्री के कारनामे दिखाई ही नहीं दे रहे। जांच करना तो दूर की बात है, फैक्ट्री के कारनामों की जांच की जो बात खान मंत्री रिंडवा द्वारा कही गई है उसमें भी हो सकता है कि एक लंबा समय लगे और नतीजा सिफर ही आए, इस बात में भी कोई शक नहीं। चोरी और सीना चोरी की कहावत को अगर आपको देखना है तो आइए मेरे साथ चलिए चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा और मांगरोल में। जेके सीमेंट फैक्ट्री की दादागिरी का आलम यह है कि अवैध दोहन के साथ साथ ही आम आदमी के पानी पर भी डाका डाला जा रहा है। इस पर आम जनता की शिकायत की बात हो या फिर कंपनी के अधिकारियों की शिकायत की बात हो, कोई कार्रवाई इस पर नहीं हो रही है। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकार के कारिंदे चुप्पी साधे हुए
क्यों हैं। फर्स्ट इंडिया के लिए मेरे सहयोगी मोहित कुमावत, अशोक टेलर और सुभाष बैरागी के साथ लाल सिंह फौजदार, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। तो चलिए इस खबर पर सिटीजन जर्नलिस्ट मोहित कुमावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जी मोहित, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की कारगुजारियां लगातार जेके सीमेंट के सामने आ रहे हैं, जिस प्रकार से इस बार पानी को लेकर यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, ग्रामीणों तक इस पानी को नहीं पहुंचाया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? जी पूजा, जिस तरीके से हर बार जेके सीमेंट के लाइम स्टोन के अंदर बारिश का पानी इकट्ठा होता है, इकट्ठा होने के बाद में सरकार के नियमों के अंतर्गत ये होता है उस पानी को किसानों को, किसान खेती करने के लिए वो पानी को देना चाहिए, पर जेके सीमेंट द्वारा उस पानी को बड़ी पाइपलाइनों से पंप करके अपने पावर प्लांट और अपने प्लांट के इस्तेमाल के लिए वो लोग उस पानी को ले लेते हैं और किसानों को उस पानी की एक बूंद भी नहीं देते हैं। इस साल जिस तरीके से देखा जाए तो पूरी अफीम की खेती, जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा हम निम्बाड़ा और चित्तौड़ क्षेत्र में होती है, पूरी खेती पानी की कमी की वजह से सूख गई थी। अगर इस सीमेंट प्लांट द्वारा वो पानी अगर उन किसानों को दे दिया जाता तो करोड़ों रुपए की कीमत की खेती बच जाती, पर उन्होंने किसानों को वो पानी नहीं दिया। इस तरीके से जेके सीमेंट पानी की कितने समय से खेल चल रहा है, ये लगभग इस सीमेंट प्लांट को यहाँ पर आए हुए 24-25 साल हो चुके हैं। 25 साल से इस तरीके से हर साल ये लोग करते हैं, नियमों का बिल्कुल अनदेखा करते हैं और किसानों के पानी के ऊपर बिल्कुल कब्जा करके बैठे हुए हैं ये लोग। मोहित, मामला अभी का नहीं है, 25 साल यहाँ पर हो चुके हैं, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई नहीं की गई? सरकारी अधिकारी के जिनसे भी बात की जाती है इसके ऊपर कोई भी बिल्कुल सेटिस्फाइड जवाब नहीं देते हैं। जब उन्होंने पूछा जाता है कि जेके सीमेंट के जो लाइम स्टोन माइंस के अंदर जो पानी है उसके ऊपर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, नियम इस तरीके से है कि वो पानी किसानों को दिया जाए, पीने के लिए दिया जाए, पर वो जेके सीमेंट के बड़े रसूख की वजह से डर जाते हैं और कोई जवाब नहीं देते हैं जिसकी वजह से संतुष्टि हो। जी पुनः जी मोहित, फिलहाल आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। हितकर सेवा संस्थान के अध्यक्ष मधुसूदन पालीवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मधुसूदन जी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार शिकायतें यहाँ पर मिल रही है, क्या आपसे उम्मीद रखे इस मामले पर? जी मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि जो खनन के लिए जब ये लोग जन सुनवाई करते हैं कि हम जैसे खदान होने के बाद में जो बारिश का पानी इकट्ठा होगा जी वो कृषकों को दिया जाएगा नजदीकी, तो नियमों की यहाँ अनदेखी की जा रही है। 25 साल हो चुके हैं जी, ग्रामीणों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है और अभी इन लोगों ने एक पाइपलाइन डाली है जो इनके प्लांट में और प्लांट के अंदर उपयोग किया जा रहा है, और जो पानी है खदान का ये अभी बाहर नाले में वैसे जा रहा है। उस पानी को जैसे नहीं निकालना चाहिए, वो किसानों के लिए स्टॉक होना चाहिए जी, लेकिन ये जब भी खनन करने के लिए पानी नाले में भी व्यर्थ बहा रहे हैं और इसका प्लांट में भी उपयोग कर रहे हैं। और दूसरा नुकसान इसका यह है कि चित्तौड़गढ़ जिले का सबसे बड़ा बांध है जो सिंचाई परियोजना के लिए है, और उसका लेवल इस जो माइंस का लेवल पानी का काफी डाउन है, तो गंभीरी बांध का पानी स्तर, जो गंभीरी बांध का जल स्तर है वो डाउन होता जा रहा है जी। बिल्कुल, ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, आपसे क्या कुछ उम्मीद यहाँ पर रखे पालीवाल साहब जी, आपसे क्या कुछ उम्मीद यहाँ पर रखे जिस तरह से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं? एक तो ये है कि जो पानी का उपयोग ये खुद लोग कर रहे हैं इनको नहीं होना चाहिए, जो किसानों के लिए रखा गया रिजर्व वो किसानों को ही मिलना चाहिए, और जो पानी बाहर निकाल रहे हैं अनावश्यक रूप से उसको रोकना चाहिए, जो नाले में व्यर्थ बाहर है ये लोग जी। बिल्कुल, रोका यहाँ पर जाना चाहिए, आपकी तरफ से क्या कुछ इसके लिए प्रयास किए जाएंगे? नियमानुसार जो इन लोगों ने जो जनसुनवाई के दौरान जो जिन शर्तें जो रखते हैं उनकी पूरी तरीके से पालन करें ये लोग जी। शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए पालीवाल साहब। तो हमने बात की हितकर सेवा संस्थान के अध्यक्ष मधुसूदन पालीवाल से, उन्होंने कहा यह बिल्कुल गलत है, नियमों का उल्लंघन यहाँ पर लगातार किया जा रहा है, लेकिन इस बात पर ये मौन ही बनी रहे कि क्या उनकी तरफ से इसके लिए कदम उठाए जाएंगे। कुछ आश्वासन यहाँ पर उनकी तरफ से नहीं दिया गया कि इसके लिए उनकी ओर से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, लगता है यहाँ कोई प्रयास
जेके सीमेंट के विरुद्ध नहीं किए जा रहे, जिस प्रकार से लगातार नियमों की धज्जियां यहां पर उड़ाई जा रही हैं। पहले मामला प्रदूषण का सामने आया, उसके बाद मामला सामने आया जहां पर लोगों को स्थापना के समय उनकी जमीन के बदले रोजगार देने, गांव का विकास करने की बात कही गई थी, और वही अभी तक सिर्फ ये सपना ही लोगों को दिखाया जा रहा है। अभी तक अमल में इस तरह के रोजगार विकास को नहीं लाया गया है। तो स्थानीय निवासी गोपाल जाट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी गोपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ समस्याएं हैं आपको, पानी पहुंचता है आप तक? नमस्ते मैडम जी, जानना चाहेंगे क्या पानी पहुंचता है आप तक या जेके सीमेंट द्वारा इस पूरे पानी को उपयोग में लिया जाता है? मैडम पूरा पानी हमारे यहाँ नहीं पहुँच रहा है, जो पानी खदान में भरा हुआ है वो वाटर लेवल टूट रहा है आए दिन। तो किस तरह की परेशानियां आपको इससे आ रही है? जी मैडम, किस तरह की परेशानियां सामने आपके आ रही हैं? पानी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया जा रहा। जो पानी भरा मैडम वो पानी किसानों को नहीं दिया जा रहा है, और खुले में पानी छोड़ रहे हैं और पाइपलाइन अंदर जमीन के अंदर डाल रखी है, वो है जो उनके पानी सबके खुद के ले रहे हैं। तो क्या इसको लेकर आप लोगों ने शिकायत की किसी से? जी मैडम की ना, कलेक्टर साहब को की। तो उनकी तरफ से क्या कुछ जवाब था? जॉब तो क्या सर, वापस जॉब तो हमें कोई मिला नहीं और कोई कार्रवाई तो हुई नहीं। क्या कहते हैं कलेक्टर साहब? मैडम ये जॉब तो हमने मांगा नहीं उनसे, अब वापस जाना उनके पास में। अब आगे क्या कुछ कदम उठाया जाएगा जिस तरह से आप लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं? कदम तो मैडम जयपुर भी भेज दिया हमने लेटर, जी एडी करा दी जयपुर। कंपनी के अधिकारी क्या कुछ कहते हैं? पानी का यहाँ पर उनकी तरह पूरा उपयोग किया जा रहा है, पर्याप्त मात्रा में आपको नहीं दिया जा रहा? एक दो पानी खुले में छोड़ रखा उन्होंने। कारखाने के अधिकारी यहाँ पर क्या कुछ कहते हैं? नियमों की धज्जियां यहाँ पर उड़ाई जा रही है गोपाल जी। बेकायदा उड़ा रहे हैं खुले में मैडम। शुक्रिया गोपाल जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। तो ये थे स्थानीय निवासी गोपाल जाट, जिनका यहाँ पर कहना था, कलेक्टर से शिकायत की गई, जयपुर भी शिकायत भेजी गई, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं आपको बता दें खान मंत्री राजकुमार रिंडवा का यहाँ पर कहना था, अगर इस तरह का खेल यहाँ पर जारी है तो कार्रवाई निश्चित तौर पर की जाएगी, लेकिन उसका असर होता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आता है। पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, जहां आपको बता दें खदानों में जल का वर्षा का पानी एकत्रित होता है, यहाँ कारखाने की ओर से इसका पूरी तरह से उपयोग किया जा रहा है। आपको बता दें जहां पावर प्लांट और अपशिष्ट निरीक्षण के जो इकाइयां इसके लिए बनी गई है उसी में इसका पूरा उपयोग किया जा रहा है। किसानों को पानी देने के लिए नियम कायदे बने थे, प्रतिबंध यहां पर किया गया था और उसका यहां पर उल्लंघन हो रहा है। किसानों तक पानी पूरी मात्रा में यहां पर नहीं पहुंच पा रहा, एक निश्चित मात्रा में पानी पहुंचाने की बात कही गई थी। कहा गया था प्रतिबंध के अंतर्गत कि पेयजल के रूप में पानी का उपयोग किया जाएगा, उसके बाद सिंचाई के लिए इस पानी को उपयोग में लिया जाएगा, और उसके बाद भी अगर पानी बचता है तो उस पानी का उपयोग कारखाना यहां पर करेगा, जेके सीमेंट यहां पर करेगा। लेकिन फिलहाल तवज्जो जेके सीमेंट अपने आप को भी यहां पर देता हुआ नजर आ रहा है, सिर्फ अपने लिए ही पानी का उपयोग हो रहा है। वहीं पानी बचता है तो किसानों को दिया जाता है, तो नियमों को ही यहां उल्टा करके काम जेके सीमेंट करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कार्रवाई यहां पर नहीं होती। और फिलहाल हमारी खास पेशकश में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी बात करेंगे कि कैसे जेके सीमेंट का ये मकर जाल लगातार जारी है और क्या कुछ परेशानियां हैं लोगों की और क्यों इन परेशानियों का निराकरण नहीं होता, शिकायतों का कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आता, क्यों सरकार नतमस्तक नजर आती है ऊंचे रसूखात के आगे। आप देखते रहिए फर्स्ट।